नमस्कार, प्रणाम सभी भोजपुरी सुबह समाज के। हम एक्टर एंकर डीके मजेशिया चर्चा न्यूज चैनल के माध्यम से आप सबके बार बार पैर छू के प्रणाम करते नहीं गोड़ लागत नहीं। और आप सभी जैसन की सुनता नहीं या जानता नहीं या भोजपुरी समाज लोग अभी देखत बाणी जा भोजपुरी जगत में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है वो भल बटे सुपरस्टार श्री खेसारी लाल यादव जी और सुपरस्टार श्री विदेश पांडे जी के बीच में। ये गाना एक ही बा ओकरा के दो दो लोग गौले बा, दोनों सुपरस्टार, दोनों लोग का अपना अपन अलग स्टारडम बा। ये पर बोले के तो हमने कोनो अधिकार नहीं खे, लेकिन भोजपुरी जगत से जुड़ल वाणी जा, मीडिया से जुड़ल वाणी जा, ये वजह से थोड़ा सा दुख पहुँचल है, तकलीफ भइल है, तो थोड़ा सा बोले के पड़ गया, मजबूरी बा। और बहुत लोग अपन अपन विचार रखा था, हमहूँ अपन कुछ विचार रखा चाहत नहीं, एक वजह से थोड़ा सा आप लोग के बीच में हम छोटा सा एगो वीडियो लेके आई बानी। तो कहे के मतलब ये बा, सब बात का सारांश और सार ही बा कि जे तरह से ये सब कार्यक्रम होता, जिस तरह से ये सब एक दूसरे का गाना उठा के दूसरे दूसरे स्टार लोग केहू के केहू गाना गाते थे, तो बड़ा ही दुख बा। और आवे वाला समय में भोजपुरी जगत खातिर बहुत बड़ा ही क्षति हुई। नया सबसे बड़ी समस्या ये बा कि नया जो सिंगर बने, नया जो कलाकार बने, जो भोजपुरी जगत में आवल चाहता, जो संगीत की लाइन में या दुनिया में अपन कदम बढ़ावल चाहता या एक्टिंग से जुड़ल चाहता, ओकरा के बड़ा तकलीफ बहुत है ये बात के देख के सुन के कि वो का करी। जब बड़े बड़े स्टार का गाना एक बड़ा स्टार गा सकेला, तो हमनी के छोट सन कलाकार के गाना और वीडियो या कोनो भी मैटर, अच्छा मैटर ओकरा के केहू भी गा सकेला। तो हम सरकार से चर्चा न्यूज चैनल के माध्यम से अपील करल चाहब और बार बार गुजारिश करब कि सरकार ये पर कोनो कदम उठावे। जैसे कि हिंदी फिल्मों का सेंसर वगैरह होता टे, आप सब जानते नहीं जा कि हिंदी फिल्म का एक सेंसर बोर्ड है, सारी फिल्में वहाँ जाती हैं, सेंसर से पास होती हैं, तो उसके बाद वहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिल्में दुनिया में या पूरे विश्व में दिखाई जाती हैं। तो वैसे ही हम चाहब कि भोजपुरी फिल्म खाती है वो सेंसर बने, ये वो एल्बम खाती भी वो सेंसर बने, ताकि वो गाना के या वो मैटर के एक बार सिंगर राइटर अपने माध्यम से लेके जाओ सेंसर के पास, और वहाँ से पास होकला के बाद वो चीज़ की वो मैटर के या वो कंपोजिंग के दूसर के हो राइटर या सिंगर ना गा पाए। तो हम प्रयास करब ये माध्यम से, ये चर्चा न्यूज चैनल के माध्यम से और अपने कुछ भैया के माध्यम से, जो चर्चा न्यूज चैनल के हमारे प्रोप्राइटर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत बड़े और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, सब मीडिया लाइन में बहुत कम समय में उन्होंने अच्छी पहचान बनाई है। तो हम चाहब कि भैया हमारी ये छोटा सा विनती के चर्चा न्यूज चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचाला काम कनश, और आप लोग अपन ख्याल रखिए, आप विशेष ध्यान दीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शब खैर।